अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज हम आपसे बात करने वाले हैं मकड़ी के जाली के बारे में, है ना। मकड़ी के जाली के ताल्लुक से लोगों का यहाँ तक कहना है कि अगर घर में मकड़ी की जाली हो तो फिर उसे जो है फाका कशी के लोग शिकार होंगे, तंगदस्ती आती है, गरीबी आती है, मोहताजगी आती है। और बहुत सारे लोगों का यहाँ तक मानना है कि अगर घर में मकड़ी हो तो फिर उसे नहीं मारना चाहिए। तो प्यारे दोस्तों, इस ताल्लुक से अकायद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान क्या है, इस ताल्लुक से बुजुर्गान दीन का क्या कहना है, मैं इसकी पूरी तफसील आपके सामने रखूंगा। लेकिन इससे पहले, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को मुकम्मल अखीर तक जरूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, मकड़ी की जाली जब आप देखेंगे घर के कोने में या किसी रूम वगैरह के कोने में आप देखेंगे, तो मकड़ी का जाली जो है बिल्कुल आपको गंदा मालूम होगा और उस जाली की वजह से खूबसूरती घर की या कमरे की खूबसूरती जो है वो खत्म होती हुई नजर आएगी और वो गंदगी जो है वो सफाई के खिलाफ है। और सफाई के बारे में इस्लाम ने यहां तक अकायद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का यहां तक फरमान मौजूद है, अत्तहारतु निसफुल ईमान, के साफ सफाई जो है वो ईमान का आधा हिस्सा है। तो हमें चाहिए कि जब मकड़ी का जाली वगैरह अगर घर में हो तो हमें उसे साफ कर देना चाहिए। और इस ताल्लुक से अकायद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एक फरमान भी मिलता है ना। अकायद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हरम के अंदर रहने वाले कबूतर और मकड़ी को ना मारा जाए, है ना। यानी हरम शरीफ के अंदर रहने वाले कबूतर और मकड़ी को ना मारा जाए। उसके अलावा जहां भी बाहर अगर आप मकड़ी देखें तो ये आपके इख्तियार में है, आप चाहे उसे मार दें चाहे फिर छोड़ दें। लेकिन दोस्तों, क्या अगर किसी घर में मकड़ी ने जाली बुन दिया हो, मकड़ी ने जाली लगा दिया हो, तो क्या उस जाली से गरीबी आती है, तंगदस्ती आती है या नहीं आती है? इस ताल्लुक से मौलाए कायनात हजरते मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम फरमाते हैं कि अपने घरों को मकड़ी के जाली से बिल्कुल साफ रखा करो, है ना। यानी अपने घरों को मकड़ी के जाली से बिल्कुल साफ रखा करो। इसलिए मकड़ी एक ऐसी चीज है जिसके चेहरे को रब ने मस्ख कर दिया है ना, यानी उसके चेहरे को बिगाड़ दिया है। इसलिए तुम उसे जहां कहीं भी देखो उसे मार दो, ये हजरत अली का फरमान है। इसलिए अगर आप जो है अपने घर में इस तरह का देखें तो आप मकड़ी के जाली को फौरन साफ कर लें। आगे हजरत अली फरमाते हैं कि उस मकड़ी की जाली की वजह से घर में बेबरकती होती है, तंगदस्ती होती है, घर के लोग फाके के शिकार हो जाते हैं। तो प्यारे दोस्तों, आपने जान लिया कि मकड़ी की जाली की वजह से घर में गरीबी आती है, तंगदस्ती आती है। इसलिए मौलाए कायनात फरमाते हैं कि घर में अगर मकड़ी की जाली हो तो उसे साफ कर लिया करें, उसे दूर कर दिया करें। प्यारे दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।